परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। समाज आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है, लेकिन कुछ लोग आज भी रूढ़िवादी सोच और दहेज के लालच में घिरे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, जहां दहेज की खातिर एक महिला की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जहर देकर मार डाला। दरअसल ये पूरा मामला थाना कुरावली क्षेत्र के मोहल्ला वेदन टोला का है, जहां अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर और दो बेटियों का जन्म होने से गुस्साए लड़के के परिवार वालों ने विवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर मौके से फरार हो गए। मृतक महिला के पिता राम सुंदर ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रोली की शादी 2012 में कमलाकांत पांडे के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की जा रही थी। विवाहिता के परिजनों का कहना है कि मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उनकी पुत्री को जहर देकर मार दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहन की शादी 18 अप्रैल 2012 में हुई थी। पापा ने बहुत ही अच्छे से की थी, 8 लाख रुपए दहेज दिया, सब कुछ दिया, मतलब अपनी जान उन्होंने बहुत अच्छी की। उसके 3-4 दिन बाद से ही इन लोग की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि तुमने 4-व्हीलर नहीं दी, 4 लाख रुपए नगद चाहिए, वो लेके आओ। आपस में इनकी लड़ाई ऐसे ही बनी रहती कि पापा मेरे गए कई बार लड़की को लेके आए। एक महिला करौली थाने में जहर का के मरने का सूचना मिली है। लड़की का परिवार की तरफ से लोग आ गए हैं और उसमें संभावना है एक बहन शायद पुलिस में कांस्टेबल भी है। उन लोगों की तरफ से तहरीर मिली है, जो भी इसमें बनता है विवेचना के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाए। मैनपुरी से एक्सपोज इंडिया के लिए आशीष सक्सेना के साथ सिम्पी राय की रिपोर्ट। And you're watching Exposed India.